हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तौफीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लक्ष्य स्टूडियोज़। तो आज हम कोरलड्रॉ में देखते हैं कि जब हम कोई भी जॉब क्रिएट करते हैं या डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो उसको एक्सपोर्ट किन तरीक़ों से किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हमने कोई सपोज लोगो क्रिएट किया और हमें किसी और सॉफ्टवेयर में उसका यूज़ करना है, एप्लीकेशन में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोटोशॉप में यूज़ करना है, तो कई बार जो फ़ोटोशॉप के जो डिज़ाइनर्स होते हैं, एडिटर होते हैं, तो वो आपको पीएनजी इमेज की मांग करेंगे। पीएनजी इमेज का क्यों मांग करेंगे वो? क्योंकि उसका बैकग्राउंड जो होता है ट्रांसपेरेंट। तो देखिए, ये लोगो सपोज हम जल्दी से इसको ट्रेस करके क्रिएट कर देते हैं। तो इसको ट्रेस किया, ओके, और ये ओरिजिनल को डिलीट, और इसका कलर अभी के लिए चेंज कर देते हैं, रेड कर देता हूँ। तो ये मुझे वाइट बैकग्राउंड नहीं चाहिए। अभी इसमें देखिए, इसको अगर मैं एक्सपोर्ट में जाऊँ, फाइल एक्सपोर्ट, और इसको अगर मैं जेपीजी में करूँ, जेपेग या जेपीजी, ये देखिए, इसको मैं T1 ऐसे नाम देता हूँ क्योंकि ट्विटर है तो, और इसको मैं करता हूँ जेपीजी या जेपेग एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, सबसे पहले आपको मोड क्या चाहिए, CMYK या RGB। तो अगर आप प्रिंटिंग के लिए देने वाले हो तो CMYK रखिए, लेकिन अगर आप ये डिजिटली यूज़ करने वाले हो, जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, तो RGB रखिए। और यहाँ पे क्वालिटी आप चेंज कर सकते हो, अगर आपको हाई क्वालिटी चाहिए। जनरली प्रिंटिंग के लिए हो तो हाई क्वालिटी रखिए, नहीं तो इसको मीडियम रख सकते हो। अभी हाई है, इसका क्या होगा, अगर आप क्वालिटी इसकी चेंज करोगे तो यहाँ पर साइज़ भी इसका चेंज होगा। ये देखिए, अभी ये जैसे आप बढ़ाते जाओगे वो इसका साइज बढ़ता जाएगा। तो ये हाई क्वालिटी रखा है, इसको यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, 100 वगैरह। सब फॉर्मेट है स्टैंडर्ड, तो उसको चेंज नहीं करता हूँ मैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ओके प्रेस करूँगा। लोकेशन तो ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट कर ली थी, ये देखिए, तो ये हो गया। अभी यहाँ पे ये देखिए, इसको मैं, ये देखिए डेस्कटॉप पे है T1, तो इसको मैं किसी और, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डिज़ाइन में इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो सपोज़ ये लोगो जो है हमारा खुद का लोगो है, और उसको इंपोर्ट कर लिया, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि इसका बैकग्राउंड भी आ गया, वाइट बैकग्राउंड आ गया, तो ये हमें नहीं चाहिए, इसीलिए फिर PNG का यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए, सेम चीज़ है, तो इसको मैं JPG या JPEG की जगह क्या करूँगा, PNG में सेव करूँगा। देखिए, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, PNG, इसको मैं नाम देता हूँ T2 एक्सपोर्ट। इसमें भी ऑप्शंस आएंगे, RGB, CMYK। अभी यहाँ पे RGB रखिए, भले आपको अगर प्रिंटिंग के लिए भी चाहिए तो, क्योंकि PNG भी थोड़े से JPEG के कंपैरिजन में PNG में ऑप्शंस कम होते हैं। एंटी एलियस्ट हमेशा ऑन रखिए, क्वालिटी स्मूथनेस बढ़ता है। तो ये RGB, और अभी यहाँ पे देखिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए क्या? यस चाहिए, ही देखिए, ट्रांसपेरेंसी हमेशा ऑन रखिए, नहीं तो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं आएगा। ये ब्लॉक्स का मतलब है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, इसको ओके कर देता हूँ। अभी देखिए, यहाँ पे ये सेव हो गया T2, तो ये फाइल इंपोर्ट, और T2 को ये देखिए, इसको इंपोर्ट किया। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें सिर्फ इमेज आई, इसका बैकग्राउंड नहीं आया, तो ये हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा लोगो है लक्ष्य स्टूडियोज़ का, तो इसका ओनली इमेज है, इसका बैकग्राउंड नहीं है, तो कहीं भी हम फिट कर सकते हैं। जनरली अभी आप बोलोगे कि कोरलड्रॉ में तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो वेक्टर, लेकिन जब हम किसी और एप्लीकेशन में इसका यूज़ करेंगे तब ये, जैसे कि फ़ोटोशॉप मैंने एग्जांपल दिया, तब ये हमें काम को आएगा। ये देखिए, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो ब्रांडिंग के लिए वगैरह, या वेबसाइट में अगर आपको यूज़ करना है लोगो, तो जनरली PNG का यूज़ किया जाता है क्योंकि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में होता है। उसके बाद अभी ये हमने किया PNG और JPG, हमने JPEG देखा। तो ये देखिए, अभी ये जो है, ये एक सोशल मीडिया पोस्ट है, तो इसको अगर हमें सोशल मीडिया पे अपलोड करना है तो हम क्या करेंगे, फाइल एक्सपोर्ट, और क्योंकि हम इसका प्रिंट नहीं निकालने वाले तो क्या करेंगे, JPEG, और ये देखिए एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा लोकेशन सेट करके, और CMYK की जगह मैं रखूँगा RGB, CMYK प्रिंटिंग के लिए, जैसे मैंने बोला RGB, और क्वालिटी जितनी आपको चाहिए उतनी, ओके। तो ये यहाँ पे देखिए, ये आप पोस्ट कर सकते हो डायरेक्टली, ये हो गया।
एक्सपोर्ट जेपेग में, इसको आप पोस्ट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो पेजेस हैं, लेकिन मैंने सिर्फ जब हम जेपेग करते हैं या कोई इमेज करते हैं तो सिर्फ जिस पेज पे आप हो, करंट पेज हो, उसको सिर्फ वो एक्सपोर्ट करता है। तो अगर मुझे इस पेज का एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे जाके मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बुकलेट क्रिएट करनी है तो आपको पीडीएफ क्रिएट करना पड़ता है। पीडीएफ वो जेपेग या पीएनजी भी नहीं होता, जेपेग या पीएनजी ओनली वन पेज जो आपका करंट पेज है उसको एक्सपोर्ट करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक कैलेंडर बनाया अपना लक्स स्टूडियोज का, तो कैलेंडर में ऑब्वियसली 12 महीने के 12 पेजेस यहाँ पे हैं। अगर आप देखें तो ये देखिए 1 2 3 4 अप टू 12 पेजेस। तो इनको अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो अगर मैं जेपीजी या पीएनजी में करूँगा तो ये सिर्फ वन एट अ टाइम होगा, लेकिन मुझे पूरा कैलेंडर एक फाइल में चाहिए तो पीडीएफ में करना पड़ेगा मुझे एक्सपोर्ट। तो देखिए यहाँ पे मैं जाता हूँ फाइल एक्सपोर्ट, और यहाँ पे ये देखिए पीडीएफ, और यहाँ पे मैं ये नाम से इसको अभी यहाँ पे एक आएगा। अगर आपको सिर्फ एक पेज ये करना है एक्सपोर्ट तो ये आप चूज़ कर सकते हो। तो जहाँ जिस पेज पे आप एक्टिव हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी पेज वन पे, तो ओनली पेज वन होगा। ये करके देखते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए करंट पेज, तो ये ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा हेवी है क्योंकि इमेज की क्वालिटी वगैरह सब मिला के, ये देखिए इसको ओपन करता हूँ पीडीएफ में। तो आपके पास ये एक्रोबैट रीडर चाहिए अगर आपको पीडीएफ ओपन करके देखना है, तो ये देखिए ये ओपन हो गया। तो अगर आप देखें तो ये सिर्फ ये देखिए वन वन ऑफ वन, तो एक ही पेज हुआ यहाँ पे सिंगल पेज। लेकिन मुझे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। और अगर मुझे सारे पेजेस चाहिए तो वापस एक्सपोर्ट या कंट्रोल ही प्रेस कर सकते हो आप। और यहाँ पे ये ऑप्शन मैं बंद कर देता हूँ और एक्सपोर्ट में जाके यहाँ पे देखिए आपको क्या चाहिए। तो करंट डॉक्यूमेंट, करंट डॉक्यूमेंट मतलब जो हमारा डॉक्यूमेंट ओपन है वो पूरा होगा। या आप अगर आपको सपोज स्पेसिफिक पेजेस चाहिए, जैसे कि 1 से 6, 6 से 12 जो भी है, वहाँ पे आप ये चूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं पूरा डॉक्यूमेंट करता हूँ, तो करंट डॉक्यूमेंट। अभी यहाँ पे कलर वगैरह आपको अगर चेंजेस करने हैं तो चेंज कर सकते हो, ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से। और अगर आपको प्रिंटिंग के लिए चाहिए तो ये ऑलरेडी ये देखिए जेपेग यहाँ पे है, कलर यहाँ पे आप अभी यहाँ पे जो कलर मैंने बहुत ज़्यादा रखा है, कलर ग्रे स्केल ये जो है मोनोक्रोम, ये वैल्यूज़ मैंने बहुत ज़्यादा रखी हैं क्योंकि ये प्रिंटिंग के लिए अच्छा होगा। जितना आप वैल्यू ज़्यादा रखोगे, और जेपेग की क्वालिटी भी हाई रखी है क्योंकि प्रिंट अच्छी आएगी इसकी। अगर हम ये लो क्वालिटी रखेंगे, ये कम कर देंगे तो साइज़ भी कम आएगी इसकी, लेकिन प्रिंटिंग के लिए क्वालिटी जितनी आप अच्छी रखिए उतना ये कंप्रेशन टाइप मैंने जेपेग रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, एक्सपोर्ट ऑल टेक्स्ट एज कर्व्स। तो ये अगर ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जो फॉन्ट्स आप यूज़ करते हैं, सपोज़ किसी और के आप दे रहे हैं एक्सपोर्ट करके और उसके कंप्यूटर में वो फॉन्ट्स इंस्टॉल नहीं है, तो फिर वो प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये अगर आप ये करके दोगे तो अगर जो आपने फॉन्ट्स यूज़ किए हैं तो जिस प्रिंटर को आप देने वाले हो उसके पास अगर ये फॉन्ट्स ना भी हो तो भी फिर वो एज इट इज़ वो प्रिंट कर पाएगा। तो ये आप याद रखिए, या तो आप कंट्रोल क्यू करके दे सकते हो, जैसे मतलब टेक्स्ट को कर्व्स में कंट्रोल करके आप दे सकते हो। उसका एक मतलब डाउनफॉल क्या है, लिमिटेशन क्या है कि उसको आप एडिट नहीं कर सकते, लेकिन फाइनल करने के बाद अगर आप भेजना चाहते हो तो ये ऑप्शन ऑन रखिए, या कंट्रोल क्यू करके आप भेज सकते हो। ये देखिए एक्सपोर्ट ऑल टेक्स्ट एज कर्व्स, कंप्रेशन अगर आपको करना है तो कीजिए। उसके बाद अगर आपको ये सिक्योरिटी देना है, मतलब पासवर्ड अगर देना है तो दे सकते हो, जैसे कि हम आधार कार्ड अगर हम डाउनलोड करते हैं तो उसको एक पासवर्ड होता है, तो ये हम खुद का पासवर्ड, यहाँ पे दो तरीके के पासवर्ड हम कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पासवर्ड के लिए, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ एक्सपोर्ट का आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे इशू दिखा रहा है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा पेज का एरिया है उसके बाहर भी थोड़ा सा एरिया यहाँ पे है प्रिंटिंग एरिया के बाहर, क्योंकि प्रिंटिंग एरिया थोड़ा सा अंदर होता है, मतलब मार्जिन होती है उसके लिए, तो बता रहा है। लेकिन ये यहाँ पे अभी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए एक्सपोर्ट कर देता हूँ मैं वापस, ये
प्रिंटिंग करते वक्त थोड़ा सा अंदर लेना पड़ेगा, लेकिन अभी हम प्रिंटिंग नहीं करने वाले, हम तो डिजिटली करने वाले हैं। तो देखिए ये, इसको ओके कर देता हूँ मैं। अब ये 12 पेजेस हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे एक्सपोर्ट होने में, इसको थोड़ा सा रुकते हैं। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आएगा क्योंकि मैंने वहाँ पे क्वालिटी हाई रखी थी, जैसे मैंने आपको दिखाया। देखिए साइज़ यहाँ पे 2.26 MB हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस भी हैं इसके अंदर। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, ये देखिए ये ओपन हो रहा है। अभी देखिए ये हुआ, प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मैंने जैसे बोला, क्योंकि 12 पेजेस है तो प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इसकी साइज़ मेरे ख्याल से और बढ़ेगी। ये देखिए 6 MB हो गई, ये अभी हो रहा है। तो इसको अभी देखते हैं, इसमें आपका रैम, प्रोसेसर, ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं, कॉन्फ़िगरेशन आपके पीसी का मैटर करेगा। ये देखिए ऑलरेडी है, कर रहा है, थोड़ा सा और वेट करते हैं। 7 MB मेरे ख्याल से ये हो गया। डबल क्लिक करके अभी भी हो रहा है ये, तो तब तक हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये इमेजेस हैं सारी, तो इसीलिए वो टाइम लगा रहा है। थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की इमेजेस हैं इसीलिए टाइम लग रहा है। ये सारी इमेजेस हैं। ये मैंने वापस ट्राई किया, ये यस अभी ओपन हो गया। इसकी फाइनल साइज़ देख लेते हैं कितनी है। फाइनल साइज़ प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा टाइम लग रहा है ओपन होने में। तो देखिए 14.6 MB, बहुत ही ज़्यादा हो गई साइज़, लेकिन क्वालिटी भी अच्छी आएगी देखिए इसकी। तो इसको वापस मैं ओपन करता हूँ, थोड़ा सा हैवी हो रहा है क्योंकि क्वालिटी भी इसकी बहुत है। इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखिए इसको व्यू में जाके स्क्रॉल एनेबल कर देता हूँ, स्क्रॉल, तो ये ऐसे होगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है 12 पेजेस, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे हमने ये बनाया है। तो इस तरह से हम एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो हमने देखा जेपेग कैसे करेंगे, पीएनजी कैसे करेंगे, और मल्टीपल अगर आपको पेज क्रिएट करने, जैसे ई बुक होता है, तो ई बुक, ये बेसिकली ई बुक है एक, तो ई बुक क्रिएट करने के लिए पीडीएफ में ऐसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो ऐसे प्रिंटिंग के लिए वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये आप करके देखिए, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट करके, ब्रोशर्स, पैम्पलेट्स हो सकते हैं, उनको भी आप एक्सपोर्ट करके देख सकते हो और प्रिंटिंग के लिए भेज सकते हो। तो ज़रूर ये मेथड्स ट्राई कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछिए। तो और हमेशा की तरह, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी मेरा वीडियो शेयर कीजिए अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू व्हेन आई सी यू।